हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। चेतना किचन में एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं पास्ता रेसिपी। इसे मैक्रोनी भी बोलते हैं, पास्ता भी बोलते हैं। तो ये देखिए, हमने इस तरीके से ये मैक्रोनी ली है। ये मार्केट में बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाती है और बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज बच्चों की मनपसंद की ये मैक्रोनी की रेसिपी। सबसे पहले मैंने ये इस तरीके से, ये मतलब कई टाइप की आती हैं, कई साइज़ की आती हैं, तो आप जो भी बनाते हो लेकिन बनाने का तरीका यही रहेगा। आप कौन सी भी मैक्रोनी लेते हो, जो रिंग वाली लेते हो या फिर ये सिंपल वाली। तो सबसे पहले मैंने एक बर्तन लिया है, उसके पानी को अच्छे से उबाल लेंगे। लगभग 2 गिलास पानी को उबालने के बाद में मैंने इसके अंदर 1 कटोरी के करीब मैक्रोनी डाल दी है। और इसमें हम 1 चम्मच के करीब ही रिफाइंड ऑयल डालेंगे। बस इतना ही डालना है कि रिफाइंड ऑयल डालने से क्या होता है, जो ये मैक्रोनी होती है या फिर आप पास्ता बोलते हो, ये क्या है, आपस में चिपकेंगे नहीं। इससे बहुत फ़ायदा हो जाता है अगर आप नहीं डालोगे ऑयल इसके अंदर, तो ये आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि चावल के ही तो बने होते हैं, तो आपस में चिपक जाते हैं और टूट जाते हैं, क्रैक हो जाएंगे। तो आप इसके अंदर ऑयल ज़रूर डालना। और ऑयल डालने के बाद में हम इसको लगभग 3 से 4 मिनट तक गैस का फ्लेम मीडियम करके और पका लेंगे, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। तो जब तक हमारी ये जो पास्ता है वो पकते हैं, तब तक हम कढ़ाई के अंदर डालेंगे सरसों का तेल, और तेल को हम अच्छे से गर्म होने देते हैं। तेल गर्म होने के बाद में हम इसके अंदर आधी छोटी चम्मच के करीब डालेंगे राई दाना। राई दाना पास्ता में और ये जो पोहे होते हैं, इनमें राई दाने का जो टेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैंने इसके अंदर राई दाना डाल दिया। आप चाहो तो जीरा भी डाल सकते हो, अगर आपको जीरा पसंद है तो जीरा भी डाल सकते हो, उसका भी फ्लेवर अच्छा आ जाता है। और राई दाना भी डाल सकते हो। और अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 कटे हुए प्याज। ये देखिए, मैंने 2 कटे हुए प्याज डाल दिए हैं। प्याज से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, चाहे कोई भी हम मैगी बनाएं, पास्ता बनाएं, पोहे बनाएं, कुछ भी बनाएं। और मैंने यहाँ पे एक हरी मिर्ची डाली है, क्योंकि बच्चों के लिए बना रही हूँ, इसलिए अगर आप बड़ों के लिए भी बना रहे हो तो, या फिर बच्चे हरी मिर्ची खाना पसंद करते हैं, तो आप हरी मिर्ची डाल सकते हो। हरी मिर्ची का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है पास्ता के अंदर। तो प्याज को और हरी मिर्ची को हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है, जब तक कि प्याज का कलर चेंज ना हो जाए। और अब हम इसके अंदर डालेंगे कटे हुए टमाटर। तो मैंने यहाँ पे एक कटा हुआ टमाटर डाला है, और टमाटर को भी हम अच्छे से कर देंगे मिक्स। तो ये देखिए, प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, तीनों चीज़ें हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं और अच्छे से पक भी चुकी हैं। और अब हम बिल्कुल थोड़े थोड़े मसाले डाल देते हैं। तो मैंने तो सिर्फ 1 पिंच के करीब ही मैंने और लाल मिर्ची पाउडर डाली है। नमक डाल देंगे अभी टेस्ट के अकॉर्डिंग। कलर के लिए हम डालेंगे 2 पिंच के करीब हल्दी पाउडर, और लाल मिर्ची पाउडर मैंने यहाँ पे सिर्फ नाम मात्र की डाली है। वैसे बच्चों को नहीं खा पाते हैं बच्चे मिर्ची, तो इसलिए मैं बहुत कम मिर्ची डालती हूँ जब उनके लिए कोई भी चीज़ बनाती हूँ। तो ये देखिए, इधर हमारे जो पास्ता है वो अच्छे से उबल के रेडी हो चुके हैं, आप देख पा रहे होंगे, और बिल्कुल खिले खिले हैं, चिपके नहीं आपस में बिल्कुल भी। तो मैंने यहाँ पे पास्ता को पानी से अलग कर लिया। कोई भी स्ट्रेनर की या जाली की सहायता से आप पास्ता को अलग कर लीजिए, छान लीजिए मतलब। और अब हम इसके अंदर कढ़ाई के अंदर डाल देंगे फटाफट पास्ता। तो मैंने दोनों चीज़ों को साथ में लेकर चली हूँ। तो ये जो हमारे पास्ता है वो सिर्फ 3 से 4 मिनट के अंदर ही बन के रेडी हो गए थे, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे मसाला भी हमारा एक दूसरे गैस पे रेडी हो चुका था, तो फटाफट हमें वेट नहीं करना पड़ा, और फटाफट मैंने यहाँ पे इसके अंदर पास्ता डाल के और मिक्स कर दिए हैं। ये देखिए, फटाफट इसको मिक्स करना है, क्योंकि कढ़ाई के भी चिपकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, मैगी मसाला डाल देंगे इसमें फ्लेवर के लिए, क्योंकि पास्ता का अलग से भी मसाला आता है। अगर आपके पास वो है या फिर आप वो डालना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हो। बट अगर नहीं आता है, नहीं मिल पाता है पास्ता का मसाला, नहीं मिल पाता है अक्सर, और मैगी का तो हमारे घर में हर टाइम अवेलेबल होता ही है मैगी मसाला, मैंने वो डाल दिया, क्योंकि मैगी मसाला सबसे बेस्ट होता है बच्चों के लिए, तो बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। तो उसको अच्छे से मिक्स कर दिया, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी से हमारे पास्ता बन के रेडी हो चुके हैं, खास बच्चों के लिए। तो चलिए, इसको मैं बच्चों को खिला देती हूँ। सबसे पहले इसको सर्व कर देती हूँ, अलग बर्तन में निकाल देते हैं। फ्रेंड्स, हमारे जो पास्ता हैं बिल्कुल हल्की मिर्ची वाले बन के रेडी हो चुके हैं। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आते हैं ये। बस आप मिर्ची का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बच्चों के लिए मैंने यहाँ पे कम डाली है, आप बड़ों के लिए बना रहे हो तो थोड़ी ज़्यादा डाल लीजिए, लेकिन बनते बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं, तो आप ज़रूर बनाइएगा। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक बार फिर से एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।